सो ये चैप्टर 11 है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। सेक्शन 149 सेज पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, के कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसको रोकने के लिए पुलिस क्या करेगी। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज, इंटरपोज मतलब उस ऑफेंस के बीच में आ जाना, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात नहीं है, सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकेगी पुलिस, इट विल बी ड्यूटी ऑफ द पुलिस। सेक्शन 150 जो है, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। डिजाइन टू कमिट द कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब उसका जो एक प्रिपरेशन चल रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की, उसकी इंफॉर्मेशन की बात है यहाँ पर। सो एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही इज सबऑर्डिनेट, मतलब अपने सुपीरियर जो ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म करेगा, एंड टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट और टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस। अपने सुपीरियर ऑफिसर को या फिर वो उस व्यक्ति को, उस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा जिसकी वो ड्यूटी है उसको प्रिवेंट करने की। सेक्शन 151 अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब कमीशन ऑफ ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब हो रहा हो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस व्यक्ति की जो ऑफेंडर है उसको अरेस्ट करने के पावर है सेक्शन 151 के अंदर। सबसेक्शन 1 सेज अ पुलिस ऑफिसर नोविंग ऑफ अ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट द पर्सन सो डिजाइनिंग if it appears to such officer that the commission of a offense cannot be otherwise prevented, jab usko lagega ki uski arrest karne ke siway koi dusra rasta nahi hai ki us offense ko commission hone se pehle act perform hone se pehle roka jaye to wo usko arrest karega। second hai no person arrested under subsection 1 shall be detained in custody for a period exceeding 24 hours from the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provisions of this code or any other law for the time being enforced। मतलब यहाँ पर उसको डायरेक्टली बेल मिल जाएगी अगर किसी को सेक्शन 151 के अंदर अरेस्ट हुआ है, तब पुलिस ऑफिसर जो है उसको अगर मैजिस्ट्रेट फर्दर ऑथोराइज नहीं करता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसकी जरूरत नहीं है तो 24 घंटे के अंदर उसको बेल कंपल्सरीली मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर FIR हो जाती है तब उसको फिर बेल कोर्ट से ही लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक FIR नहीं होती है तब तक उसका जो 24 आवर्स का पावर है पुलिस को उसको डिटेन करने का, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 152 है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो उसको रोकने के पावर जो है 152 के अंदर पुलिस को दिए गए हैं। A police officer may of his own authority interpose, यहाँ पर भी है word interpose मतलब के बीच में आ जाना, to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property movable or immovable or the removal or injury of any public landmark or buoy or other mark used for navigation। रास्ते के अंदर लैंडमार्क के जो पत्थर होते हैं कि यहाँ से ये शहर इतना किलोमीटर दूर है उसको, या किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी जो मूवेबल या इमूवेबल हो उसको, उसकी जो उसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको प्रिवेंट करने की जवाबदारी पुलिस की है। अब सेक्शन है 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे विदाउट अ वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन for the purpose of inspecting or searching for any weights or measures or instruments for weighing used or kept therein whenever he has reason to believe that there are in such place any weight measures or instruments for weighing which are false। us jagah ke andar enter karne ki aur wahan ja kar ke inspection karne ki puri satta jo hai police officer ko di gayi hai, lekin ye sirf uske area ke andar hi wo kar sakta hai, uske jurisdictional area ke bahar ja kar ke wo nahi kar sakta। Subsection 2 है, if he finds in such place any weights, measures or instrument for weighing which are false, he may seize the same and shall forthwith give information of such seizure to the magistrate having jurisdiction।
वो क्या कर सकता है, वो जो भी बांट है या फिर इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि वजन किया जाता है या मेजरमेंट किया जाता है उसको सीज करेगा और उसका इंफॉर्मेशन जो है वहां लोकल जो मैजिस्ट्रेट है उसको पुलिस ऑफिसर देगा। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 11 कंप्लीट होता है एंड नाउ इट विल स्टार्ट विद चैप्टर 12 विच सेज इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये जो FIR रजिस्टर होती है और किस तरह से FIR रजिस्टर होती है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। सबसेक्शन 1 सेज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग by him or under his direction and be read over to the informant and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in the book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। मतलब ये जो format की बात है that is called popularly known as FIR। जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलेगी बराबर है वो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड है तो वो उसको राइट डाउन करेंगे और उसके बाद जो कंप्लेनेंट है जिसने वो इंफॉर्मेशन दिया है उसका सिग्नेचर होगा कंप्लेंट के ऊपर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जिसमें बताया गया है कि विटनेसेस का जो स्टेटमेंट है वो साइन नहीं होगा लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसका जो स्टेटमेंट है वो उसको साइन करना पड़ेगा। प्रोवाइजो है प्रोवाइडेड दैट इफ द information is given by the woman against whom an offense under section 326A, B, 354A, B, C, D, 376A, B, C, D, E or section 509 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted then such information shall be recorded by a woman officer or any woman officer, woman police officer or any woman officer। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो sections दी गई है वो सेक्शंस के अंदर अगर कोई लेडी है वो अगर कंप्लेन दे रही है तो वो कंप्लेन को कौन लिखेगा, कोई वुमन पुलिस ऑफिसर ही लिखेगा, उसकी एफआईआर जो है कोई लेडी पुलिस ऑफिसर ही लिखेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, 354A, B, C, D, E, 376A, B, C, D, E और सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी इज अलीज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड इज टेम्पररी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस मे बी। तो जो वुमन है जो इस तरह की एफआईआर कर रही है, ठीक है, अगर वो फिजिकली डिसेबल है तो उसके घर पर ही उस ऑफेंस को रजिस्टर किया जाएगा, वहीं पर जो है कंप्लेंट एफआईआर जो है रजिस्टर की जाएगी। बी है द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, ये कंपलसरी है कि अगर उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जब बात आती है तो वो उसको वीडियोग्राफ करना भी कंपलसरी है। सी है द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए of subsection 5A of section 154 as soon as possible। ठीक है, अगर इस तरह का जो offence है तो उसको उसका जो statement होगा वो 164 के हिसाब से 164 के हिसाब से record किया जाएगा जो section 5A के अंदर बताया गया है। subsection 2 है a copy of the information as recorded under subsection 1 shall be given forthwith free of cost to the informant। जो भी FIR होगी, ठीक है, वो FIR की copy complainant को जो है free of cost दी जाएगी और वो फोर्थ भी तभी उसको देना है। थ्री है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय अ रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न। ठीक है, जो अगर पुलिस ऑफिसर है सबसेक्शन 1 के हिसाब से उसको एफआईआर करना उसके लिए कंपल्सरी है लेकिन फिर भी वो अपनी मैंडेटरी ड्यूटी जो है परफॉर्म नहीं करता है और एफआईआर को रजिस्टर नहीं करता है, इन दैट केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो सब्सटेंस है वो बाय पोस्ट और इन राइटिंग भेजना है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, अगर वो रूरल एरिया है तो, और अगर वो कमिश्नर एरिया है तो उसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजा जाएगा। हु इज सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट इन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। और अगर वो एसपी जो है सुपीरियर पुलिस ऑफिसर उसको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो वो उसको खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर अपने अपने जो
जो जुरिस्डिक्शनल एरिया का जो भी पुलिस ऑफिसर है जो उससे सब ऑर्डिनेट है उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकता है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस। और वो जो पुलिस ऑफिसर को एसपी के पास से जो रिक्विजिशन मिला है उसके हिसाब से उसको इस कोड के हिसाब से पूरे पूरे पावर होंगे उस एफआईआर लिखने के और उसको इन्वेस्टिगेट करने के। ओके नाउ सेक्शन 155। सेक्शन 154 जो था वो था इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा वो इस सेक्शन में बताया गया। सब सेक्शन वन है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate। theek hai yahan par kya hoga yahan par usko fir lenge jo alag se jo form prescribe kiya gaya hai us format ke andar uska fir lenge aur uske baad usko informant ko jo hai magistrate ke paas refer kar diya jayega। subsection 2 hai no police officer shall investigate a cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। theek hai koi bhi police officer jo hoga wo non cognizable offense ke andar khud se investigate nahi karega balki wo magistrate se permission mangega investigate karne ki aur magistrate usko investigation karne ki permission dega tabhi wo investigate karega otherwise wo investigate nahi karega। subsection 3 hai police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable offense। theek hai jab usko non cognizable offense ka information mila usne magistrate ke paas se permission mangi magistrate ne usko permission de di ab jab magistrate ne usko permission de di to wo cognizable case ki pura investigation jaise hota hai waisa hi non cognizable offense ka investigation karega lekin yahan par है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट मतलब जज की पर मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर उसको वो अरेस्ट तब भी नहीं कर सकता। सबसेक्शन 4 है वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस नॉटविथस्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है यहां पर मैंने आपको बताया था कि हर एक आईपीसी की सेक्शन या स्पेशल एक्ट की सेक्शन वो एक अलग ऑफेंस हो गया। ठीक है यहाँ पर सपोज मान लो कि उसको उसने 5 ऑफेंस किए हैं 5 अलग अलग सेक्शंस के अंदर एफआईआर हुई है। अब 5 में से सिर्फ एक सेक्शन ऐसी है जो कॉग्निजेबल केस की और बाकी की 4 सेक्शंस जो है उसकी ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो यहाँ पर वो पूरा केस जो है कॉग्निजेबल केस माना जाएगा नॉन कॉग्निजेबल केस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 156 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू और ट्राई अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 13। आगे चैप्टर 13 आएगा उसमें इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या पावर है वो बताया जाएगा लेकिन यहाँ पर ये बताया है कि जो जहां पर उस एरिया के अंदर ऑफेंस हुआ है उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर है पुलिस स्टेशन ऑफिसर वहां पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है इस वजह से और उसके लिए उसको मैजिस्ट्रेट की पहले परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 2 है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन व्हिच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभी सेक्शन ऑफेंस हुआ है कॉग्निजेबल नेचर का वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद लगता है कि ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब भी कोई भी कोर्ट में उस चीज को चैलेंज नहीं की जा सकती कि उसने गलत तरीके से एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कॉग्निजेबल बना करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली तब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड थी तो वो इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू कर सकता है और पूरा कंप्लीट कर सकता है।
सब सेक्शन 3 है एनी पावर एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन। 190 के अंदर मैजिस्ट्रेट के कौन से पावर है वो आगे आएगा, जो मैजिस्ट्रेट को 190 के अंदर जो पावर है इन्वेस्टिगेशन के हम आगे देखेंगे वो क्या है। सबसे अभी सेक्शन 157 है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कैसे होगा वो इसके अंदर बताया गया। सब सेक्शन 1 है इफ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस व्हिच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। उसको जो इंफॉर्मेशन मिला है उसकी वजह से वो एम्पावर्ड है 156 का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम है। ही शेल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट एंड शेल प्रोसीड इन पर्सन और शेल डेप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड to the spot to investigate the fact and circumstances of the case and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जो भी पुलिस ऑफिसर होगा अब वो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है या फिर अपने सबऑर्डिनेट को जो है इन्वेस्टिगेशन दे रहा है, वो सबऑर्डिनेट का जो है कौन सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं जनरल या स्पेशल ऑर्डर से कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हेड कांस्टेबल इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पीएसआई इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर एएसआई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो जो भी नियम बनाए हैं उस नियम के अनुसार वो उसको अपने जो ऑफिसर है जो रैंक इन बिलो उसको इन्वेस्टिगेशन असाइन कर सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी की बात है कि उसको असाइन करना है या नहीं करना है। और वो जो ऑफिसर को असाइन होगा वो ऑफिसर को सारे राइट्स होंगे जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करने के अंदर अरेस्ट करना, डिस्कवरी करना, उस जगह पे जाना, पंचनामा ड्रॉ करना, अपने उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखेगा करेगा। अब इसके अंदर प्रोविजन है प्रोवाइडेड दैट ए व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम एंड द केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation he shall not investigate the case। theek hai, agar usko lagta hai ki abhi investigation karne ki koi zarurat nahi hai kyunki facts and circumstances usko aise lagte hain to wo investigate nahi karega। iske sath ek aur proviso hai provided further that in relation to an offense of rape the recording of statement of a victim shall be conducted at the residence of a victim or in the place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality। theek hai, ab investigation karne ke andar pehla cheez aata hai ki statement record karna। statement jab record ho raha hai to wo rape case ka jo offense hai usme kis tarah se hoga वो बताया गया है कि जो विक्टिम है उसके घर पर ही होगा या फिर विक्टिम की चॉइस का कोई और अगर प्लेस है। सपोज मान लो कि घर के अंदर ही ऑफेंस हुआ है तो फिर वो विक्टिम अगर विक्टिम के कहने पर अगर घर पर नहीं करना कहीं और करना है तो वो कहीं और पर भी हो सकता है। और एज फार एज प्रैक्टिकेबल ये कंपल्सरी नहीं है लेकिन प्रैक्टिकेबली ये बताया गया है कि जब तक वुमन पुलिस ऑफिसर हो तो वो ले या फिर उसके प्रेजेंस में लिया जाए, उसका पेरेंट्स है, उसके गार्डियंस और उसके नियर रिलेटिव या सोशल वर्कर जो है उस लोकलिटी की उनकी प्रेजेंस में वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। सबसेक्शन 2 है इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लोज ए एंड बी ऑफ द प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रीजंस फॉर नॉट फुल्ली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स टू दैट सबसेक्शन एंड इन द केस मेंशन इन क्लोज बी ऑफ द सेड प्रोविजो द ऑफिसर शैल ऑल्सो फोर्थविथ नोटिफाई टू द इन्फॉर्मेंट इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई द स्टेट गवर्नमेंट द फैक्ट दैट ही विल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस और पोज इट टू बी इन्वेस्टिगेट। सब सेक्शन 1 के जो प्रोविजो था ए और बी उसके अंदर जो सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर पुलिस ऑफिसर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं करता है या फिर कुछ पार्टली कुछ चीजों का इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है तो वो क्या करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स के हिसाब से जो कंप्लेनेंट है जो इन्फॉर्मेंट है उसको इन्फॉर्म करेगा कि मेरे ये रीजन्स और इन रीजन्स की वजह से मैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं।
सेक्शन 158 है रिपोर्ट हाउ सबमिटेड. एवरी रिपोर्ट सेंड टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शेल इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ. ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए हैं कि कोई भी रिपोर्ट सबमिट होने से पहले उसका जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको बताया जाए, तब उसके लिए कंपलसरी है कि वो पहले अपने सुपीरियर जो जो ऑफिसर है उसको पहले वो रिपोर्ट भेजे और वहां से उसके बाद मैजिस्ट्रेट को भेजा जाए. सबसेक्शन टू है सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक्स फिट एंड शेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शंस ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द सेम विदाउट डिले टू द मैजिस्ट्रेट. और अगर उसके सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट भेजा गया और उसके सुपीरियर ऑफिसर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है तो वो इंस्ट्रक्शंस का कंप्लाई करने के बाद जल्दी से जल्दी मैजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट ट्रांसमिट की जाएगी. पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सेक्शन 159 है. सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक्स फिट एट वंस प्रोसीड और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this code. ठीक है, मैजिस्ट्रेट को पावर दिए गए हैं कि अगर उसको वो रिपोर्ट लगता है तो उसमें मैं डायरेक्ट इन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन करने का भी दे सकता है या फिर खुद भी जो है इंक्वायरी कर सकता है या फिर किसी और मैजिस्ट्रेट को भी डेप्यूटी कर सकता है जो उससे सबऑर्डिनेट हो इंक्वायरी करने के लिए. सेक्शन 160 है पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस. ये इंक्वायरी की बात नहीं है, यहां पर इन्वेस्टिगेशन की बात है. सब सेक्शन 1 बहुत क्लियर है एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन who from the information given or otherwise appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case and such person shall attain as so required. यहाँ पर बात है अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पुलिस ऑफिसर के को ऐसा लगता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास से ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है तो वो राइटिंग में ऑर्डर करके उस व्यक्ति को बुला सकता है और स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड कर सकता है. अब इसमें प्रोवाइज़ है प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 इयर्स कोई भी मेल व्यक्ति जो 15 साल से कम है और अबो द एज ऑफ 65 इयर्स कोई ऐसा व्यक्ति है जो 65 साल से ऊपर का है या और अ वुमन और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन या कोई लेडी है या फिर मेंटली या फिजिकली डिसेबल पर्सन है शैल बी रिक्वायर टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन और हुम रिसाइड्स. ठीक है, वो उसको प्रेफरेबली वो क्या करेगा कि उसके घर पर जाकर के उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और वो ये उनको कंपेल नहीं करेगा कि आप घर से किसी और जगह पर आकर के अपना स्टेटमेंट दो. द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ अ रीजनेबल एक्सपेंसिस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस. अगर पुलिस ऑफिसर उसके घर पर स्टेटमेंट नहीं लेने के बजाय किसी और जगह पर या पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसका स्टेटमेंट लेता है जिसका भी स्टेटमेंट उसने सबसेक्शन 1 में लिया है उसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए तब क्या करेगा उसको आने जाने का खर्चा भी देगा स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स के हिसाब से. अब यहाँ पर बात आती है कि पुलिस ऑफिसर ने राइटिंग में ऑर्डर करके उस व्यक्ति को बुलाया और वो व्यक्ति फिर भी नहीं जाता देन उसका कॉन्सिक्वेंसिस क्या है. उसका कॉन्सिक्वेंसिस ये है कि वो जो व्यक्ति है जिसको पुलिस ऑफिसर ने बुलाया है और वो नहीं आता है ठीक है तो उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 174 का ऑफेंस रजिस्टर होगा और उसको 174 आईपीसी में प्रोसिक्यूट किया जाएगा. अब यहां पर है सेक्शन 161 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस. एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक as the state government may by general or special order prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer may examine orally any person.
सपोज टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द विटनेस. हम लोग अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बोले तो विटनेसेस का जो स्टेटमेंट लिया जाता है वो होता है 161 के अंदर, उसका एग्जामिन करना और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना. सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर. लेकिन अगर उस जो भी व्यक्ति होगा वो उसको जवाब देना, पूरी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है. सिर्फ उन क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं है जिसकी वजह से वो खुद आरोपी बन जाए या उसके ऊपर कोई पेनल्टी या क्रिमिनल चार्ज या फॉरफीचर का लगे, उसको ऐसा लगता हो, वो तभी जवाब नहीं दे सकता, अदरवाइज उसको जवाब देना कंपल्सरी है. सबसेक्शन 3 है, द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हू स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड्स. ठीक है, ये पुलिस स्टेशन जो ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, उसकी जवाबदारी है कि उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको लिख ले, ठीक है, और उसका जो है ट्रू रिकॉर्ड और ट्रू और सेपरेट रिकॉर्ड बनाए, मतलब हर विटनेसेस का अलग सेपरेट बनेगा, वो एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता. Proviso है, provided that the statement under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means. ठीक है, ये उसकी मर्जी की बात है. यहाँ पर shall word नहीं use हुआ है, यहाँ पर may word use हुआ है. ये investigating officer का discretion है, अगर वो चाहे तो उसको audio और videograph कर सकता है. अब यहाँ पर एक दूसरा proviso भी है. Provided further that the statement of a woman against whom an offence under section 354 354 A, B, C, D, 376, 376 A, B, C, D, E, or section 509 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कि अगर कोई 354 A, B, C, D या फिर रेप का कोई ऑफेंस है, उसका जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, वो कैसे रिकॉर्ड होगा, बाय वुमन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही होगा और ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी ड्यूटी है. अब है सेक्शन 162, स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइन, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस. ठीक है, यहां पर दो चीजें बताई गई है. एक तो जो पुलिस को स्टेटमेंट दिया गया है 161 के अंदर, उसके ऊपर विटनेस का जो है साइन नहीं लिया जाएगा. अगर साइन लिया गया है तो वो दैट वुड बी अ ब्रीच ऑफ 162 और उसका एविडेंस में किस तरह से उपयोग होगा वो सेक्शन 162 के अंदर बताया गया है. नो स्टेटमेंट मेड अंडर एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, नॉर शैल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयरऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड फॉर द पर्पस Save as herein after provided at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made. ठीक है, मतलब signature नहीं होगी और वो जो statement जो उसने दिया गया है उसका कोई भी inquiry या trial के अंदर उपयोग नहीं होगा. मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसका evidence में उसका value जो है वो zero है. कब तक zero है, जब तक वो व्यक्ति खुद witness box में आ करके अपना deposition नहीं लेता है. सिर्फ पुलिस ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और वो विटनेस एक्सपायर हो गया या फिर किसी भी रीजन से वो कोर्ट के अंदर आकर के अपना डिपोजिशन नहीं देता है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो वैलिड कोर्ट के अंदर नहीं है, उसका एविडेंशियल वैल्यू जीरो है. प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल हूज स्टेटमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग एज अफोरसीन एनी पार्ट ऑफ हिज स्टेटमेंट If duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such witness in the manner provided by section 145 of the Indian Evidence Act. And when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only for explaining any matter referred to in the cross-examination. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कोई witness ने अपना statement दिया है लेकिन वो जो स्टेटमेंट में पर्टिकुलर मटेरियल कोई चीज है वो अपना जो जब विटनेस बॉक्स में आकर के अगर वो नहीं बोलता है, ठीक है, तो वो भी एक जात का कॉन्ट्राडिक्शन ही माना जाएगा एज पर दी एविडेंस एक्ट. ठीक है, अब उसमें क्या यूज होगा, क्या यूज नहीं होगा, क्या प्रूव है और क्या प्रूव नहीं होगा, दैट विल बी अ डिस्क्रिशन ऑफ दी
कंसर्न कोड। सब सेक्शन टू है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू अप्लाई टू एनी स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन द प्रोविजंस ऑफ क्लोज वन ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 30, ये जो प्रोविजन आगे सब सेक्शन 1 में दिए गए हैं वो 32 और 27 की जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिस्कवरी का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, उसको लिए लागू नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, एन एक्सप्लेनेशन टू स्टेट अ फैक्ट और सर्कमस्टांसिस इन द स्टेटमेंट रिफर टू इन सब सेक्शन 1 मे अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन इफ द सेम अपियर्स टू बी सिग्निफिकेंट एंड अदरवाइज रिलेवेंट हैविंग रिगार्ड टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच सच ओमिशन अकर्स and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact। ठीक है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को ही डिसाइड करना है कि उसने जो अपने स्टेटमेंट में कहा था और विटनेस बॉक्स में नहीं कहा, या फिर विटनेस बॉक्स के अंदर कुछ चीजें उसने नहीं कही जो उसने अपने स्टेटमेंट में कही थी, वो क्या माना जाएगा, ओमिशन माना जाएगा, और उसको डिसाइड कैसे किया जाएगा। इट विल बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ ट्रायल, इट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच विल बी डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 163 है, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया सेक्शन के अंदर कि विटनेस इसको टेम्प्ट नहीं किया जाएगा, डराया नहीं जाएगा, धमकाया नहीं जाएगा, उसको किसी भी तरह का प्रॉमिस नहीं किया जाएगा, कोई लालच नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो विटनेस अपना उसका खुद का फ्री वॉलिशन में होना चाहिए, खुद की मर्जी से होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। यहाँ पर पावर दिया गया है एनी मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन रिकॉर्ड करने की जो है पावर्स नहीं दिए गए। अब यहाँ पर दो चीजें, कन्फेशन दिया गया और स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, कन्फेशन किसको होगा, जो आरोपी खुद अपना ऑफेंस कन्फेस करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग कन्फेशन बोलेंगे। और स्टेटमेंट किसको बोलेंगे, जो विटनेस है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट 164 में मैजिस्ट्रेट के सामने लेना जरूरी है, तो वो जो विटनेसेस का स्टेटमेंट लेगा उसको स्टेटमेंट कहा जाएगा यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ 164। एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज ज्यूरिसडिक्शन इन द केस, मैजिस्ट्रेट को ज्यूरिसडिक्शन उस एरिया का है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम in the course of an investigation under this chapter or any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। ठीक है, inquiry or investigation अभी चल रहा है, उस दौरान जो statement या confession record होता है वो यहाँ पर आता है, लेकिन accused court में आकर के during trial अपना confession करता है वो यहाँ पर 164 के अंदर लागू नहीं पड़ता है। जब investigation चल रहा है ये तभी की बात है। Provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offence। ठीक है, ये मर्जी की बात है, compulsory नहीं है। यहाँ पर word use हुआ है may, जब audio, video, electronic means के हिसाब से उसको record किया जाता है तब उसका advocate की भी हाजिरी होनी जरूरी है। अब इसमें second proviso है, provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force। ऐसा कभी होता नहीं है, अगर उस officer को ही magistrate के power दिए गए हैं तो वो magistrate जो है confession record नहीं करेगा। Subsection 2 है, the magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make confession and that he does, if he does so it may be used as evidence against him and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntarily। ठीक है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि ये कन्फेशन स्टेटमेंट आपको देना जरूरी नहीं है, और अगर आप नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते हो, और अगर आप ये दोगे तो आपके अगेंस्ट में इसका उपयोग कोर्ट के अंदर होगा और वो वॉलंटरी है, उसका पूरा ख्याल जो है मैजिस्ट्रेट को वहां पर रखना होगा। Subsection 3 है, if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate state that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in the police custody। ठीक है, यहाँ पर जब व्यक्ति आता है confession record करने के लिए, confession अपना record करने के लिए मना करता है, ठीक है, तब
मना करने के बाद मैजिस्ट्रेट वापस पुलिस की कस्टडी में उसको कभी दे ही नहीं सकता, उसको उसको जुडिशियल कस्टडी करके जेल में ही भेज देना है, वापस से पुलिस को उसकी कस्टडी मैजिस्ट्रेट को नहीं देनी है, दैट इज व्हाट सबसेक्शन 3 सेज, और ये कंपलसरी सेक्शन है, मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट के लिए। सबसेक्शन 4 है, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 1281 ऑफ फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड शैल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। जो भी कन्फेशन होगा, ठीक है, वो जो है अक्यूज की साइन उसके ऊपर होगी। द मैजिस्ट्रेट शैल मेक द मेमोरेंडम, वो जो कन्फेशन करने के नीचे क्या लिखा जाएगा वो यहाँ पर दिया गया, वो हमको याद करना जरूरी नहीं है। सबसेक्शन 5 है, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन, यहाँ पर कन्फेशन की बात नहीं है, यहाँ पर स्टेटमेंट की बात है। स्टेटमेंट किसका होगा? विटनेस का होगा, अदर देन द कन्फेशन। कन्फेशन किसका होगा? अक्यूज का होगा। मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस एज इज इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हू स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पर जो भी उसने जो स्टेटमेंट दिया है विटनेसेस ने, वो ऑन ओथ दिया है। ये जरूरी क्यों है? ताकि वो व्यक्ति जो है अपना जो है स्टेटमेंट जो उसने 164 में दिया है उससे मुकर नहीं जाए, और अगर वो मुकर जाता है तो क्या होगा, डायरेक्टली कन्विक्शन होगा उसको, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने दिया था स्टेटमेंट जो ऑन ओथ था। अब वो दूसरा जब वो विटनेस बॉक्स में आता है तब भी वो जो है अपना डिपोजिशन दे रहा है, और वो भी दे रहा है ऑन ओथ, और वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, या तो पहले वाला गलत था ऑन ओथ, या फिर अभी जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ है, वो भी वो गलत है। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है और दोनों ओथ पर है तो कोई एक तो गलत होगा ही, तो उसका डायरेक्टली उसका विटनेस विटनेस का जो है कन्विक्शन तय है उसके अंदर। फिर सबसेक्शन 5A है, इन द केस पनिशेबल अंडर सेक्शन, वो जो रेप रिलेटेड सेक्शन है वो सारी सेक्शन यहाँ पर बताई गई है। द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन against whom such offence has been committed, मतलब जो victim है उसकी बात हो रही है, in the manner prescribed in subsection 5, as soon as the commission of the offence is brought to the notice of a police, ठीक है, जैसे ही पुलिस को उसके ऑफेंस के बारे में पता चला उस टाइम पर उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अभी ये सेक्शन जो है नई कंपल्सरी हो गई है कि रेप केसेस के अंदर 164 का स्टेटमेंट जो है कंपल्सरी हो गया। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन making the statement is temporary or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of interpreter special educator in recording the statement. agar wo vyakti jo hai disabled hai physically ya mentally challenge vyakti hai, theek hai, to uska jo statement hai wo kis tarah se hoga wo yahan par bataya gaya hai. isme ek further proviso bhi hai, provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of the interpreter or a special educator shall be videographed. ठीक है, उसको videograph करना भी compulsory है। Okay, subsection 6 है, the magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into a trial. ठीक है, वो किसको भेजेगा अपना जो statement है, मैजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करके या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उस मैजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके वहां पर ट्रायल चल रहा है या फिर अभी ट्रायल जो है चालू होने वाला है। 164 है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, वेयर ड्यूरिंग द स्टेज When an offence of committing of rape or attempt to commit a rape is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom the rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by the medical expert. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें खास याद रखने की जरूरत है, पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर दो सेक्शन है। एक तो अगर रेप का या फिर अटेम्प्ट टू रेप का कोई ऑफेंस होता है तो उसको मेडिकल ऑफिसर के पास से जो है उसको भेज देना कंपल्सरी है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर सेक्शंस में आया गया है कि विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, जब आपने एफआईआर रजिस्टर किया है, आपको जब ऑफेंस का इंफॉर्मेशन मिला है उस टाइम से लेकर के 24 घंटे पूरे होने के पहले उसका जो है लेडी का मेडिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। और एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा वो सारा कुछ यहाँ पर सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द वुमन, या पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है उसका इंजरी मार्क्स, उसका डीएनए,
अदर अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स जो भी उनको रीजनेबल लगता है वो सारा। अब सब सेक्शन थ्री है, द रिपोर्ट शेल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। जो भी रिपोर्ट है उसके ऊपर क्या कंक्लूजन है वो भी उसको मेडिकल ऑफिसर को लिखना जरूरी है। सब सेक्शन फोर है, द रिपोर्ट शेल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमन और ऑफ द पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट ऑन हर बिहाफ टू दैट सच एग्जामिनेशन हैड बीन ऑब्टेन। रिपोर्ट के ऊपर ये लिखना भी डॉक्टर को जरूरी है कि जो लेडी का हमने एग्जामिनेशन किया है उसने हमको कंसेंट दिया था, या फिर अगर वो माइनर है तो उसका जो भी उसके बिहाफ में किसने कंसेंट दिया था। उसके बाद सब सेक्शन फाइव है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, वो भी रिपोर्ट में लिखना जरूरी है। सब सेक्शन सिक्स में है, द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिसनर शेल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो अपना जो रिपोर्ट है किसको भेजेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भेजेगा। हु शेल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है अपना रिपोर्ट भेजेगा, जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो भेजेगा मैजिस्ट्रेट को। सब सेक्शन सेवन है, नथिंग इन दिस सेक्शन शेल बी कंस्ट्रूड एज रेंडरिंग लॉफुल any examination without the consent of the woman or of the person competent to give such consent on her behalf। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि भाई कि अगर उसने अपनी कंसेंट नहीं दी गई है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इसमें बताया गया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है कि एग्जामिनेशन क्या होगा, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिसनर क्या होगा, वो सारा उसमें बताया गया है। अब सेक्शन 165 है, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो सर्च कैसे किया जाएगा ये इसमें बताया गया है कि व्हेन एवर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एनीथिंग नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस व्हिच ही इज ऑथोराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट मे बी फाउंड इन एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ व्हिच ही ऑफिस ही इज इन चार्ज और टू व्हिच ही इज अटैच्ड or that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for such thing in any place within the limits of such police station। agar wo investigation police officer kar raha hai usme usko lagta hai कि किसी भी जगह पर सर्च करने से कोई एविडेंस मिल सकता है तो वो इमीडिएटली वहां पर बिना किसी समय को गवाए वहां पर जो है सर्च करेगा, और तो सर्च करने से पहले अपना जो स्टेशन डायरी का जो होता है उसके अंदर उसका एंट्री करेगा इन राइटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एक सब जो सब सेक्शन पहला जो बताता है वो ये बताता है कि वो सिर्फ अपने एरिया में लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही सर्च कर सकता है, लेकिन आगे की सेक्शन में बताएगा कि अगर उस एरिया के अंदर नहीं और उसको दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना है, ज्यूरिसडिक्शन में जाना है तो क्या होगा। सब सेक्शन टू है, अ पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन वन शेल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, वो खुद ही सर्च करेगा जब तक भी प्रैक्टिकेबल है तब तक। सब सेक्शन थ्री है, if he is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search present at the time, he may after recording in writing his reasons for doing so require any officer subordinate to him to make the search। theek hai, writing mein jo hai reasons dene ke baad wo likhega ki bhai ke main nahi kar sakta hu lekin mere subordinate kar sakta hai, to wo apne subordinate ko search karne ka assign karega। And he shall deliver to such subordinate officer an order in writing। वो अपने subordinate को writing के अंदर एक order भी deliver करेगा। An order in writing specifying the place to be searched। कौन सी जगह पर search करना है वो उसको बताएगा। And so far as possible, the thing for which search is to be made and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि उसको पर्टिकुलर जगह को बताए, वो उसको कोई भी तरह से बता सकता है कि भाई कि एक निशान बता सकता है कि वहां पर सर्च करना है। ठीक है, अब वो जो ऑफिसर जिसको सब जो सर्च असाइन हुआ है वो उसको सर्च करेगा जो एरिया जो उसको बताया गया है उस हिसाब से। सब सेक्शन फोर है, द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एज टू सर्च वारंट एंड द जनरल प्रोविजंस एज टू सर्च कंटेन्ड इन सेक्शन 100 शेल एज फार एज मे बी अप्लाइड टू अ सर्च मेड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 100 के अंदर हमने आगे देखा उसके जो प्रोविजंस है बराबर, उसके जनरल जो प्रोविजंस है उसको उसका पालन किया जाएगा इसके अंदर। सब सेक्शन 5 है, कॉपीज ऑफ एनी रिकॉर्ड मेड अंडर सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 3 शेल फोर्थविथ बी सेंड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस।
एंड दी ओनर और द ऑक्यूपायर एट द प्लेस सर्च शेल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ द सेम टू द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि जिस केस के पास जहां पर भी ट्रायल चल रही है, चलने वाली है, जो भी उस पुलिस स्टेशन का ऑथराइज मैजिस्ट्रेट है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि वो सर्च हमने किया था और सर्च में हमको क्या मिला, और उसके साथ साथ में अगर वो सर्च किसी जगह पर है तो उस जगह का ओनर या ऑक्यूपायर आपसे डिमांड करता है कि हमको उस सर्च के अंदर जो भी आपने लिया है वो हमको उसकी विगत बताओ, उसका डिटेल्स दो, तो वो भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। सेक्शन 166 है, व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इश्यू सर्च वारंट। ठीक है, सर्च वारंट किसी और व्यक्ति को देने के बारे में प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और अ पुलिस ऑफिसर नॉट बीइंग बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन मे रिक्वायर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अनदर पुलिस स्टेशन वेदर इन द सेम और अ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टू कोज अ सर्च टू बी मेड इन एनी प्लेस इन एनी केस इन विच The former officer might pose such search to be made within the limits of his own station. ठीक है, वो अगर अपने एरिया में नहीं है तो अपने किसी और एरिया के पुलिस स्टेशन में है तो वहां पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए सर्च वारंट इश्यू कर सकता है, और वो जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन ऑफिसर होगा जो सब इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा वो जो है सर्च वहां पर करेगा। सच ऑफिसर ऑन बींग सो रिक्वायर्ड shall proceed according to the provisions of section 165 and shall forward the things found if any to the officer at whose request the search was made। 165 के अंदर जो पावर दिए गए हैं कि किस तरह से सर्च होगा, वो सारे पावर जो है उस नेक्स्ट एरिया का जो jurisdictional एरिया का पुलिस ऑफिसर है उसको मिल जाएंगे, और वो वहां पर जाके सर्च करेगा, और वो रिपोर्ट किसको भेजेगा, जिसने उसको कहा गया है, जो ओरिजिनल पुलिस स्टेशन का ऑफिसर है जिसने कहा गया है कि आप हमको रिपोर्ट करना और सर्च में जो भी मिले वो हमको बताना, वो उसको रिपोर्ट करेगा। सब सेक्शन 3 है, ये थोड़ा ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर उस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, अगर मैं किसी और एरिया के पुलिस स्टेशन जो है वहां पर जाकर के उस एरिया के पुलिस स्टेशन को बताऊंगा, उसको रिक्विजिशन भेजूंगा सर्च करने के लिए, और जो एविडेंस है तब तक डिसअपियर हो जाएगा, तो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर के भी वो जो है सर्च कर सकता है। दैट इज व्हाट सबसेक्शन 3 सेज। सबसेक्शन 4 है, एनी ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च अंडर सबसेक्शन 3 शैल फोर्थविथ सेंड नोटिस of the search to the police officer in charge of the police station within the limits of such place is situated। ठीक है, वहां पर आपने जो है सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद आप वहां के जो लोकल एरिया है उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। एंड शेल ऑल्सो सेंड विद सच नोटिस अ कॉपी ऑफ द लिस्ट इफ एनी प्रिपेयर अंडर सेक्शन 100 एंड शेल ऑल्सो सेंड टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस कॉपीज ऑफ द रिकॉर्ड रिफर टू इन सबसेक्शन 1 एंड 3 ऑफ सेक्शन 165। वहां के नियरेस्ट एरिया का जो मैजिस्ट्रेट है उसको भी इन्फॉर्म करना जाएगा। 165 सबसेक्शन 1 और 3 में जो प्रोसीजर बताई गई है वो इसमें फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 5 है, द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्लेस सर्च शैल ऑन एप्लीकेशन बी फर्निश्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विद अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड सेंड टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 5। जो भी मैजिस्ट्रेट का जो है मैजिस्ट्रेट को आपने रिपोर्ट भेजा है उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो कॉपी है वो उस ओनर या ऑक्यूपायर को दी जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यहाँ पर 166A और 166B ये जो है दोनों जो है एक दूसरे से किस तरह से मिलती है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया है कि कोई इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि कोई फॉरेन के अंदर कोई व्यक्ति है या प्लेस है जिसको एग्जामिन करना जरूरी है, तो वो मैजिस्ट्रेट को जो है एप्लीकेशन डालेंगे, और वो मैजिस्ट्रेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स के हिसाब से उस कंट्री को जिसके साथ हमारा ट्रीटी है उसको वो रिक्विजिशन भेजा जाएगा, उसको वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, और वहां की जो कोर्ट है वहां की जो भी अथॉरिटी है उस जगह का सर्च करेंगी, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगी, और वो जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करेंगी वो इस जो है वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर कोर्ट को और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसकी कॉपी भेज दी जाएगी। दैट इज व्हाट सेक्शन 166A। ठीक है, अब जो आता है सेक्शन 166B,
लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यहाँ पर उससे रिवर्स सिचुएशन है। यहाँ पर सिचुएशन बताई गई है कि कोई फॉरेन की अथॉरिटी है, कोई अदर कंट्री ने हमारी गवर्नमेंट को भेजा है एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कि आप इस जगह का सर्च करो या फिर आप इस व्यक्ति को एग्जामिन करो, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करो, तो हमारी जो भी है जो अथॉरिटी है वो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेगी, उस जगह का सर्च करेगी और जो भी वो रिपोर्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर कोर्ट को उसी रूट से भेज दिया जाएगा। दैट इज सेक्शन 166B। 166A है जब हम इंडियन गवर्नमेंट जो है इंडियन कोर्ट से रिक्वेस्ट भेजती है किसी और कंट्री को। 166B है जब किसी और जो कंट्री है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ की कोर्ट को रिक्विजिशन भेजती है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है कि आप ये काम करिए, इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमको जरूरत है। सेक्शन 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर दो तीन चीजें आ जाएगी, दो तीन चीजों में आएगा रिमांड, रिमांड मैक्सिमम कितने पीरियड का हो सकता है, चार्जशीट कब फाइल करना है, मैक्सिमम कितने दिनों में फाइल करना है। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा डिफॉल्ट बेल का। सबसेक्शन 1 हम पढ़ते हैं, व्हेनेवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इज डिटेन इन कस्टडी एंड इट अपियर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैनॉट बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स्ड बाय सेक्शन 57। ठीक है, सेक्शन 57 के अंदर से सेक्शन 57 में कहा गया है कि अक्यूज को जो है मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रोड्यूस कर देना है। एंड देर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्विजिशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर शेल फोर्थ बी ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट a copy of the entries in the diary here and after prescribed relating to the case and state the same time forward the accused to such magistrate। ठीक है, यहाँ पर magistrate को forward किया जाएगा, remand मांगा जाएगा, अगर उसको information जो है वो well founded है, मजबूत है, तब आगे investigation करने की जरूरत है तो। ठीक है, अब यहाँ पर जो remand है यहाँ पर दो चीजें आती है, एक 24 घंटे से ज्यादा उसको अपनी कस्टडी में नहीं रखना है, दूसरी आती है कि रिमांड कौन मांग सकता है, रिमांड सब इंस्पेक्टर से नीचे का ऑफिसर नहीं मांग सकता। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब सब सेक्शन 2 देखते हैं, द मैजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड, मैजिस्ट्रेट को पास उसकी कस्टडी दे दी गई, अंडर दिस सेक्शन मे वेदर ही हैज और हैज नॉट ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in whole। theek hai 15 din se zyada uski custody wo nahi de sakta, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial and considers further detention unnecessary he may order the accused to be forwarded to the magistrate having such jurisdiction। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको उस concern jurisdictional magistrate को उसको भेज देना है। अब यहाँ पर proviso है, provided that the magistrate may authorize the detention of the accused person otherwise than the custody of a police beyond the period of 15 days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so, but no magistrate shall authorize the detention of the accused person in custody under this paragraph for a total period exceeding, ab dusra iske andar aata hai 90 days। 90 days kab hai, jab offense punishable hai 10 saal se zyada life imprisonment ya fir death ka sentence hai tab usko charge sheet file karne ka jo period hai wo 90 days hai। dusra hai 60 days, ye 60 days kab hai, jab जो पनिशमेंट है और जिस ऑफेंस में उसको चार्ज किया गया है वो 10 साल से कम का है तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें आती है, ये सेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, दो चीज के लिए कि जब अक्यूज बेल पर है तब ये लागू नहीं पड़ेगा, तब ये कंपलसरी नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए कि 90 डेज या 60 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करे। ठीक है, दूसरी यहाँ पर सेक्शन हमको बताता है कि अगर उस दौरान चार्जशीट नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है कंप्लीट, तब क्या, तब उसको डिफॉल्ट बेल ग्रांट किया जाएगा। दैट इज व्हाट A2, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेम पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज द केस मे बी द अक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड। ठीक है, यहां पर प्राइमा फेसा ऑफेंस है या नहीं है उसको नहीं देखा जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है मैंडेटरी 90 दिन या फिर 60 दिन के अंदर
इसके लिए कंपल्सरीली उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा बाय द कंसर्न मैजिस्ट्रेट इटसेल्फ, चाहे उसके अंदर फांसी की सजा की जुगवाई क्यों ना हो। ठीक है, दो तीन चीजें इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक, सबसे पहले कि 15 दिन से ज्यादा पीरियड का टोटल रिमांड नहीं हो सकता। ठीक है, हर 15 दिन के बाद उसकी कस्टडी मैजिस्ट्रेट के पास वापस आनी चाहिए, उसका प्रेजेंस मैजिस्ट्रेट, जब तक ट्रायल चार्जशीट नहीं होती तब तक, मतलब जब तक चार्जशीट नहीं होती तब तक हर 15 दिन से ज्यादा का मैजिस्ट्रेट डेट उसको नहीं दे सकता, और हर 15 दिन में उसको मैजिस्ट्रेट के पास एक बार पेशी करना वो भी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर काफी सारे एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यहाँ पर एक लास्ट एक्सप्लेनेशन है, आप वो देखेंगे कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ वुमन अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज द डिटेंशन शैल बी ऑथोराइज्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ अ रिमांड होम और रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर वो लड़की है और वो 18 साल से कम की है तो या तो रिमांड हो या फिर कोई सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी उस लड़की को रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको रिमांड होम में ही रखा जाए। ठीक है, सब सेक्शन 2A है, ये भी हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, खाली इसमें से एक एमसीक्यू ये आ सकता है कि अगर वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है और वो रिमांड जो है देने का आता है बारी किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, प्रोडक्शन होता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो 7 दिन से ज्यादा पीरियड का रिमांड नहीं दे सकता। जब हमने देखा आगे कि मैजिस्ट्रेट को और जुडिशियल या फिर मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड देने का पावर है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सिर्फ 7 दिन का रिमांड देने का पावर है, उससे ज्यादा का रिमांड देने का पावर नहीं है। ठीक है, सब सेक्शन 3 है, अ मैजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस शैल रिकॉर्ड रीजंस फॉर सो डूइंग। जब भी मैजिस्ट्रेट रिमांड देता है तो उसको रीजन देना जरूरी है, दैट इज व्हाट सेक्शन सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 4 है, एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विथ हिज रीजंस फॉर मेकिंग इट टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, सब सेक्शन 5 है, इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय अ मैजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस। यहाँ पर समन्स केस की बात है, समन्स केस कौन सा है जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 2 साल से कम की है, उससे ज्यादा की नहीं है, ये उस तरह के इन्वेस्टिगेशन की बात है। द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द अक्यूज वॉज अरेस्टेड। ठीक है, अक्यूज को अरेस्ट किया गया था तब से लेकर के 6 महीने के अंदर समन्स केस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो क्या, तो ये होगा कि मैजिस्ट्रेट शेल मेक एन ऑर्डर, मैजिस्ट्रेट एक ऑर्डर करेगा जो कंपलसरी है ऑर्डर करना, मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट दैट फॉर स्पेशल रीजंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इज नेसेसरी। ठीक है, मतलब मैजिस्ट्रेट के लिए कंपलसरी है कि वो 6 महीने के पीरियड के बाद वो इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दे। वो कब स्टॉप नहीं करेगा, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एप्लीकेशन लगाएगा और एप्लीकेशन लगा के उसको 2 चीजें सेटिस्फाई करेगा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, और ये ऑफेंस के अंदर ऐसे स्पेशल रीजंस थे जिसकी वजह से 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। सब सेक्शन 6 जो है, वेयर एनी ऑर्डर stopping further investigation into an offense has been made under subsection 5, the sessions judge may, if he satisfied on an application made to him or otherwise that further investigation into the offense ought to be made, vacate the order under subsection 5 and direct further investigation. ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर मैजिस्ट्रेट ने subsection 5 के अंदर order कर दिया investigation को stop करने का, तो उसका अपील कहां पर लगेगा, उसका अपील लगेगा सब सेक्शन 6 के अंदर, किसके पास लगेगा, लगेगा सेशन जज के पास, और सेशन जज ये ऑर्डर कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को फिर से रिज्यूम करवा सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट आगे की जो सेक्शंस है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, चलिए बाय।